क्या फिल्मों की शूटिंग से आम लोगों को परेशानी होती है? केजीएफ 2 की शूटिंग के दौरान किन परेशानियों को झेला डायरेक्टर और एक्टर ने? किन कारणों से बदलनी पड़ी केजीएफ 2 की जगह? हेलो एवरीवन, इन सभी सवालों का जवाब दूंगी मैं, आपकी होस्ट यानी कि अनविता पाठक। तो वीडियो को आप बिना स्किप करे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार यश की केजीएफ की सुपर सक्सेस के बाद अब उनके फैन केजीएफ चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी नजर आएंगे। फिल्म में संजय दत्त अधीरा का किरदार निभाते दिखेंगे। संजय दत्त और यश की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के सेट से अब कुछ फोटोज सामने आई हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की शूटिंग लंबे समय से हैदराबाद की फिल्म सिटी में चल रही थी। यहाँ फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा था, जिसकी शूटिंग अब पूरी हो चुकी है। फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग पूरी होने पर फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने अपने ट्विटर हैंडल से लोकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। इन तस्वीरों में संजय दत्त और यश एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म का काफी बड़ा क्रू भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ऐसे में उनके फैंस एक बार फिर उनका विलेन अवतार देखने को बेताब हैं। लेकिन फैंस सिर्फ बेताब नहीं हैं, बल्कि कुछ परेशान हैं। तो कुछ फैंस इस परेशानी की वजह हैं। जी हाँ, जब हैदराबाद में एक्शन सीन की शूटिंग चल रही थी तो शुरुआत में एक्शन सीन को एक बड़े मैदान में किया जा रहा था, पर वहाँ उपस्थित यश और संजय के फैंस ये शूटिंग को ठीक से अंजाम नहीं देने दे रहे थे, जिसकी वजह से शूटिंग को हैदराबाद की फिल्म सिटी में करने का तय किया गया। लेकिन यहाँ भी परेशानी खत्म नहीं हुई और लोगों ने शूटिंग की शिकायत करनी शुरू कर दी कि इससे उनकी दैनिक कामों में बाधा आ रही है। क्योंकि समस्या सिर्फ एक्टर या सिर्फ शूटिंग करने वालों को नहीं होती है, बल्कि उन सभी को होती है जो स्थान के आसपास रह रहे होते हैं। बता दें कि कभी कभी आम लोगों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डायरेक्टर्स जिस जगह पर फिल्म शूट करते हैं वहाँ के इलाके को पूरी तरह से बंद करवा देते हैं, जिस वजह से वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ फिल्में तो फिल्म सिटी में शूट कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ लोकेशन की वजह से, अच्छी लोकेशन की वजह से फिल्मों की शूटिंग शहरी इलाकों या गाँव में जाकर करते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तेज म्यूजिक, साउंड, बार बार माइक से आने वाली तेज आवाजें आदि चीजें भी स्थानीय लोगों को नापसंद आती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था केजीएफ 2 की कोलार मिल की शूटिंग के दौरान और क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान भी। तो सुना आपने, एक फिल्म को शूट करना इतना भी आसान नहीं जितना कि हम समझते हैं। शूटिंग के दौरान पुलिस, उस राज्य के अधिकारी आदि से शूटिंग की इजाजत लेने के बाद भी स्थानीय लोगों को संभालना मुश्किल ही रहता है। लेकिन साथ ही स्थानीय लोगों को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी परेशानी को खत्म करने पर ही शूटिंग में आ रही बाधा को खत्म किया जा सकता है। और प्रशांत नील ने सारे इंतजामों को मद्देनजर रखते हुए शूटिंग को आखिरकार खत्म कर लिया है। तो क्या कभी आपने भी ऐसी किसी परेशानी का सामना किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, सेफ रहें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। दिस इज अनविदा साइनिंग ऑफ। सायोनारा।